आगे जंजीर तो नहीं शुरू है जी, जो आप कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकते। आवाज़ तो आपको आ रही होगी, क्लिप्स वैसे हमने बनाए हैं, तो ब्लर शलर करके डालने की कोशिश करेंगे। पीछे जंजीर तो नहीं हो रही है, इसके बाद फिर बाकायदा मछली का आगाज़ होगा राजा रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका राजा डॉलर व्लॉग्स में खुश आमदीद है। और आज 19 सफर है चेलम सैयद शहदा इमाम हुसैन इस्लाम के सिलसिले में चकशिया में, जो कदीमी आज़ादारी जुलूस और जो मशी का सिलसिला है जो पिछले साल से शुरू किया गया है। इंशाल्लाह ताला आपको हम कंप्लीट 1920 सफर का व्लॉग एक ही जो है वो डालेंगे, उसके लिए सारी डिटेल्स आज़ादारी जो है वो होगी, तो इसलिए इस व्लॉग में बंधे रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले हर अच्छे व्लॉग से आप लोग आगाह रहे। और आए बिना किसी देरी के आप चलते हैं, मेरे ख्याल में जुलूस शुरू हुआ या मजलिस शुरू हुई है, आपको जो भी है दिखाते हैं आपको। चले मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है, और मुसलसल है फिर रजल की सदाओं का शोर है हर सू, फिर रजल की सदाओं नसीब में जो न हो वो हुसैन से मांगो, नसीब में जो न हो वो हुसैन से मांगो, या मांगे ये तो फजर दे प्रा
तो व्यूअर्स अभी जो आपने क्लिप्स देखे रैंडम, ये दिन को जो 19 सफर को चकशिया के अंदर आज़ादारी होती है ये अभी इख्तिताम पज़ीर हुई है। उसके बाद जो है वो ज़ाकरीन जो है वो भी खिताब फरमा रहे हैं। अभी करीबन 3-4 ज़ाकर रहते हैं और उसके बाद फिर रात पूरी जो है शबेदारी है। शबेदारी के बाद फिर कल का पूरा दिन भी जो है मजलिस भी है, फिर मशी भी है, फिर जंजीर जनी, जिस तरह जो भी प्रोग्राम होगा तो ये पूरा कंप्लीट आपको इसी व्लॉग में दिखाएंगे। तो अब हम ज़रा आए हैं घर पे, ज़रा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आधा घंटा कोई घंटा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो है रात पूरी आज़ादारी पे मातमदारी वगैरह करनी है और सारा जो जुलूस है इंशाल्लाह उसकी भी ज़ीरत बनेंगे तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे, तो लिहाजा व्लॉग में बने रहेंगे। तो जनाब अभी अभी मस्जिद जो है वो अख्ताम पज़ीर हो गई है और अब हम जा रहे हैं लंगर करने के लिए। और लंगर के बाद जो है वो आज जो है आज़ादारी है, जो रात पूरी शबेदारी होगी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि रात पूरी जिस तरह मार्केट अंदर शक्तियाँ जो है वो जरूर से बरसा करेंगी। तो चलते हैं अभी लंगर करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब लंगरे हुसैनी तिलावत फरमा ली है और अब हम बिना किसी देरी के जुलूस एज़ाम में शिरकत करते हैं जो कि शुरू हो गया होगा। आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि मातमी संगत चकशियाँ किस तरह अपने रवायती अंदाज में इमाम हुसैन के हुज़ूर पुरसा पेश कर गए। तो आए बिना किसी देरी के चलते हैं मातमी जुलूस की तरफ। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा कि आज़ादारी सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चकशिया में किस तरीके से रात को शबेदारी का प्रोग्राम
सारा मुनक़द किया गया और किस तरह आज़ादारी की गई। अभी हम घर की तरफ वापस आ गए हैं और बात में जुलूस भी जो है इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और अब हम करेंगे इस ब्लॉग को यहाँ पर पॉज और सुबह यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। सुबह मुल्क के बहुत से मशहूर पढ़ने वाले उलमा व ज़ाकरीन इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे और फिर दिन को जो मशी का प्रोग्राम होगा उसके अंदर भी जो एक अलग अलम वगैरह जो मंजर होगा वो आपको इंशाल्लाह हम सारा दिखाएंगे। तो इसलिए इस व्लॉग के साथ बने रहें, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाना। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जज़ाकअल्लाह। खाके शिफा थी जिसके तने पाक का कफन, चेलम है उस गरीब का आज कर्बोबला में। जी तो व्यूअर्स, आज है चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 20 सफ़र का दिन है। जैसा कि आपको पता है आप इस ब्लॉग में बंधे हुए हैं तो हमने रात को ही ब्लॉग पास किया था और अभी हम दोबारा से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब हो गए हैं दिन के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। मजलिस रज़ा सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद उलमा व ज़ाकरीन की जिन्होंने आज खिताब फरमाना है और उसके बाद फिर अभी लंगर का भी वक्फा होगा, उसके बाद फिर मशी का प्रोग्राम है और एंड पर फिर जो है वो कोई ज़ाकर है जो इख्तितामी मजलिस पढ़ेंगे और फिर चकशियाँ अपने रवायती अंदाज में इख्तितामी मातम पेश करेगा इमाम हुसैन के हजूर और फिर जो है आज का जुलूस का बकायदा इख्तिताम होगा। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे जुलूस अज़ा मजलिस अज़ा का प्रोग्राम है और जहाँ जहाँ पर आज़ादारी के प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि तमाम आज़ादारी के जुलूस बख़ैर वाफियत अपनी मंजिल तक पहुँचे और जो लोग हमारे समेत इस बार कर्बोबला नहीं जा सके हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक मौला पंजन पाक के सदके हम सबको अगले साल चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला में करने की तौफीक अता फरमाए। तो आए बिला किसी देरी के पहले चलते हैं इमाम बारगाह में, जाकर वगैरह देखते हैं, कौन पढ़ रहे हैं सुनते हैं, उसके बाद फिर लंगर शंगर करते हैं और फिर मशी के प्रोग्राम में साथ शामिल होते हैं। चलें। मुसलसल है हुसैन की ये मोहब्बत है और मुसलसल है। मौसम आप देख सकते हैं जनाब, बारिश आ गई है और अभी जो है वो जुलूस का आगाज हो गया है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं आपको सारा दिखाते हैं। मशी पे हम जा रहे हैं, सारा मंजर आपको दिखाते हैं और जुलूस की जीनत बनते हैं। आप भी बंदे रहे साथ और अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा एक कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं बिला किसी देर के जुलूस की जीनत बनते हैं। आगे जंजीर जनी शुरू है जी, जो आप कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं दिखा सकते। आवाज़ तो आपको आ रही होगी, क्लिप्स वैसे हमने बनाए हैं, ब्लर श्लर करके डालने की कोशिश करेंगे। पीछे जंजीर जनी हो रही है, इसके बाद फिर बाकायदा मशी का आवाज़ होगा राजा रईस साहब के बारे में, वो भी हम जरा जंजीर जनी देख लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। हुसैन तेरी हुकूमत है, हुसैन तेरी हुकूमत।
یہ کبریا کی نایت ہے، یہ کبریا کی نایت. جی تو ویورز ایک دم سے بارش لگ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے زلزلہ قدرتی طور پہ ہمارے گھر پہ آ گئی، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمیں اس کے جو ہے وہ خدمت خاطر کرنے کا موقع ملا. اور اب ہم بارش رک گئی ہے، تو اب ہم پھر سے دوبارہ سے جلوس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. باقی جلوس تو رواں دواں ہیں، تو اب چلتے ہیں بلا کسی دیر کے. مشی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، اور ہم اس ٹائم موجود ہیں چک راجدان اڈے کے اوپر. بالکل یہاں پر مشی کرتے ہوئے تمام ماتمی حضرات، تمام عزاداران مظلوم کربلا پہنچ چکے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت منظر ہے علم پاک کا، ذوالجناح کا. تو ابھی سارے اس طرح مشی کرتے ہوئے مین روڈ پہ آئیں گے، اور پھر شرائع ابو طالب والی روڈ سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں اختتام پذیر ہوگی ہے مشی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ولاگ کے اینڈ میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آج عزاداری کا ہمارا یہ پروگرام، جو کہ قدیمی سلسلہ ہے چکشیاں میں جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو ابھی ویٹ کریں، روڈ کے اوپر آنے کا ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو آگے بتاتے ہیں. فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے. چلے آئیے وطن تے کے دار.
باکے محنت نبی دی زینب بچا کے بلے آئیے وطن تے قیدا نبھاکے محنت نبی دی زینب بچا کے بلے آئیے وطن تے قیدا نبھاکے میں مانگو یا مانگنے مسلسل ہے یہ عرش کرسیوں کو سر یہ سلسبیل تیری حسین تیری حکومت ہے مسلسل ہے یہ کبریا کی نایت ہے اور مسلسل ہے حسین کی جلوس جو ہے مین روڈ کے اوپر اب آ چکے ہیں، اب ہم مشی کرتے ہوئے انشاءاللہ شرائب و تعلق والی روڈ پہ جائیں گے، اور آپ میرے پیچھے بھی علم پاک دیکھ سکتے ہیں، آگے بھی دیکھیں ماشاءاللہ علم پاک کی کافی ساری تعداد ہے، ذوالجناح بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم مشی کرتے کرتے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی میری نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو۔ ہم پہنچ چکے ہیں شرائب و تعلق والی روڈ کے اوپر، جو کہ امام بارگاہ جاگیر علی اکبر کی طرف رواں دعائیں، اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ مشی کا جو پروگرام ہے وہ اختتامی راستے کے اوپر گامزن ہے، اور موسم الحمدللہ اللہ نے چاہا کچھ بہتر ہو گیا، اور پیچھے جو ہے نا واخانی ہو رہی ہے، اور علم پاک آپ نے دیکھے، اسی طرح اب ہم جو ہے نا وہ گامزن ہے اپنے اختتامی مناظر کے طرف، تو ہمارے ساتھ بندے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے کرسیوں کو سر یہ سلسبیل تیری حسین تیری حکومت ہے اور مسلسل ہے یہ کبریا کی نایت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے
مسلسل ہے پھر الرجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو پھر الرجل کی صداؤں مسلسل ہے اے خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی میری نماز نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو یا مانگنے مسلسل ہے یہ عرش کرسیوں کو سر یہ سلسبیل تیری یہ عرش کرسیوں کو سر یہ سلسبیل تیری حسین اس کے ساتھ ہی چیلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پروگرام یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا یہ ولاگ, ہماری یہ ایک چھوٹی سی کوشش کیسی لگی آپ کو, جو ہم نے 19-20 سفر کا کمپلیٹ ایک ولاگ مشی چیلم اور جلوس وغیرہ جتنا بھی تھا سب کچھ اس ولاگ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے چھوٹی سی. تو ہماری اس کوشش کے بارے میں بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو کیسی لگی یہ کوشش. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی اس ولاگ کو ہم اختتام کرتے ہیں. بیل نوٹیفیکیشن پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر اچھے ولاگ سے آپ لوگ آگاہ رہیں. لبیک یا حسین.